वो कहते हैं दोस्तों, जब टूटने लगे हौसले, जब टूटने लगे हौसले तो यह याद रखना, बिना मेहनत के तख्तो ताज नहीं होते, बिना मेहनत के तख्तो ताज नहीं होते। ढूंढ लेना अंधेरे में ही मंजिल, ढूंढ लेना अंधेरे में ही मंजिल, क्योंकि जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते, जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते। आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार मैथ्स गुरु मनीष में। दोस्तों मैं हूं एमके एक्सपर्ट, और पिछले वीडियो में हम लोग देखे थे, इंटीग्रेशन को देख रहे थे, इंटीग्रेशन के टाइप टू तक हम लोग देख लिए थे, जिसमें दो क्वेश्चन देखे थे, और गलती से क्वेश्चन नंबर दूसरा में जो है एक चीज छूट गया था, बट्टा में एक बट्टा चार लिखना हम भूल गए थे बाय मिस्टेक, ठीक है। तो आप सभी भाइयों ने हमें कमेंट करके इस चीज का एहसास दिलाया, तो आप सभी भाइयों को इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने इतनी बारीकी से हमारी वीडियो को देखा कि उस गलती को भी, मतलब छोटी सी गलती थी लेकिन छोटी नहीं, बहुत बड़ी गलती कहा जाए, उसको भी आप लोगों ने आसानी से पकड़ा और हमें बताया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। ऐसे ही आप सरसरी निगाह से वीडियो को देखते रहें, ठीक है, और सीखते रहें। आपके अंदर इतनी क्षमता आ गई है कि आपकी इतनी शक्ति है आपके अंदर कि आप उसको पहचान पा रहे हैं कि क्या गलती हो रही है और क्या सही हो पा रहा है, ये छोटी बात नहीं है। यदि आप हमारी छोटी सी गलती को पकड़ रहे हैं तो आपके लिए बहुत बड़ी बातें हैं, आप आसानी से सीख पा रहे हैं, आपके अंदर जो कॉन्फिडेंस है वो बढ़ रहा है आपका, तो इससे हमें बहुत ज़्यादा खुशी मिलता है कि चलिए हमने जो आप लोग को दिया इससे आपने इतना सीखा कि हमारी गलती को आपने पकड़ लिया, बहुत बड़ी चीज़ें हैं। चलिए तो अब हम शुरू करते हैं आज अगले सवाल को। अगला जो सवाल आपका है, आई बराबर दिया गया है, या माने हैं इसको आई बराबर ई के पावर टेन इनवर्स एक्स बट्टा में वन प्लस एक्स स्क्वायर। और यदि आप में से कोई भी लोग टाइप वन और टाइप टू को नहीं देखे हैं, मेरे भाई सुन लीजिए और घबराइए नहीं। बच्चे का कमेंट आ रहा था कि सर केवल प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन करा दीजिए, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन करा दीजिए, सब हो जाएगा, पहले आप सीख तो लीजिए। सवाल यहां से बनता है पांच अंक का मेरे भाई और दो अंक का, इसलिए इसके सभी टाइप को सीखने की जरूरत है। जब आप सीख जाइएगा तो क्वेश्चन आप खुद ब खुद कर लीजिएगा, ठीक ना। हाँ, इसलिए पहले सीख लीजिए, घबराने की जरूरत नहीं है, सीखेंगे उसके बाद तो उसको एकदम धंसा देंगे ना। हाँ, खाली हम क्वेश्चन में करा देंगे मान लीजिए, और क्वेश्चन कहीं उस टाइप से नहीं पूछा एग्जाम में, तब तो भारी गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए सभी टाइप को हम बात कर लेते हैं, सभी टाइप की चर्चा पहले कर लेते हैं, इसके बाद सवाल को देख लेंगे, एकदम जाके एग्जाम में आप बुखार लगा दीजिएगा, ठीक है। हाँ, तो देखिए जब हम बात कर रहे थे टाइप टू की, तो वहां पर आपको बता दिए थे कि किसको मानना है, किसको मानना है, और इस पर चर्चा कर रहे थे तो आपको बताए थे कि त्रिकोणमितीय अनुपात के कोणांक को मानना है, दूसरा आपको बताए थे लॉग वाला के कोणांक को मानना है, तीसरा बताए थे ई के पावर वाला को मानना है, चौथा बताए थे रूट के अंदर वाला को मानना है, पांचवा बताए थे बटा वाला को मानना है, ठीक है, ये सारी बातें हो चुकी थी। और सबसे लास्ट में आपको बताए थे जिसको ब्रह्मास्त्र बोले थे, और ये बोले थे कि मानना उसी को है जिसका डिफरेंशिएशन इसमें दिया गया है, मानना उसी को है जिसका डिफरेंशिएशन इसमें दिया गया है। क्लियर हो गया सभी भाइयों को? चलिए तो अब आप ये बता दीजिए कि हम इसमें से माने किसको, तो हमारा कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में धक्का मार रहा होगा कि रे सर जी कहलखुन, हाँ ई के पावर एक्स वाला के मानना है, ई के पावर में जो रहेगा उसको मानना है, रे मानो ना रे, मानो ना रे, मानो ना रे, मान लो। आप चेक करके देखिए ना कि जो हम आपको बताए हैं ई के पावर वाला को मानना है, और लास्ट में ब्रह्मास्त्र सटा के देखना है कि एकदम ठीक जा रहे हैं कि नहीं, कैसे चेक करना है कि जिसको हम मान रहे हैं उसका डिफरेंशिएशन उसमें है कि नहीं, ठीक ना। हाँ, ये चेक कर लीजिएगा आप। तो जब हम टेन इनवर्स एक्स को मानेंगे तो देखिए टेन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन है वन बटे वन प्लस एक्स स्क्वायर, आसानी से मानिए। तो लिखेंगे पुनः माना वाई बराबर टेन इनवर्स एक्स, वाई बराबर टेन इनवर्स एक्स, या
या आप यदि इधर से इनवर्स वाला को ले जाते हैं यहां तो क्या हो जाएगा, टेन वाई बराबर एक्स, टेन वाई बराबर एक्स। देखिए आप इसका डिफरेंशिएशन कर दीजिए एक्स के सापेक्ष, बोले थे कि जिसको आप मानिएगा उसका डिफरेंशिएशन कीजिएगा ना, तो इसको मान लिए हैं तो इसका डिफरेंशिएशन कर दीजिए, डीवाई बटा डी एक्स बराबर डी टेन इनवर्स एक्स बटा में डी एक्स, तो ये हो जाएगा आपका डीवाई बटा डी एक्स बराबर में टेन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन वन बटा में वन प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो जब हम मान निकालेंगे डी एक्स का, देखिएगा तो ई एन है आपका बटा में तो ऊपर जाएगा, ई इधर बटा में है तो इधर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा डी एक्स बराबर वन प्लस एक्स स्क्वायर इंटू में डी वाई। तो यहां से डी एक्स का मान निकल गया। जैसे आप पिछले वीडियो को एकदम सरसरी निगाह से देखे थे वैसे ही इसको भी देखिएगा मेरे भाई, ठीक ना। हाँ, एक एक पॉइंट को ठीक से देखिएगा और ऐसे ही आप जो है पकड़ने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। हाँ, बड़ी मजा आता है, बड़ी संतुष्टि मिलता है जो कम से कम, अरे हमारा से हमारे बचवा सब तेज हो गया, कम से कम इस चीज को तो पकड़ रहा है ना कि गुरु जी कहाँ गलती कर दिए कि। हाँ चलिए आइए सवाल को देखते हैं। अब क्या करेंगे, dx का मान निकाल लिए बउआ, तो जो आपका फंक्शन है जिसका आप इंटीग्रेशन कर रहे हैं उसको लिखिए, i बराबर है देखिएगा e के पावर में tan इनवर्स x और बटा में है आपका 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू में है आपका dx, मान बैठा लीजिए। यहां देखिए e के पावर में tan इनवर्स x को क्या माने हैं, y, तो यहां हो जाएगा e के पावर y बटा में वन प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स के जगह पर क्या है, देखिए डी एक्स के जगह पर है वन प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई, तो लिखेंगे वन प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई। ये कट गया, ये भी कट गया, तो क्या बच गया, बच गया e के पावर y इंटू डी वाई। अब बताइए e के पावर x होगा या e के पावर y होगा तो उसका इंटीग्रेशन क्या होगा, तो ज्यों का त्यों ये हो जाएगा e के पावर y, अब प्लस c लिखना नहीं भूलना मेरे भाई, इसलिए नहीं लिखना भूलना कि यह आपका अनिश्चित समाकलन है ना, तो यहां से भी नंबर कट सकता है आपका, ठीक है। हाँ, हर छोटी से छोटी गलतियों को आप देखते चलेंगे, ठीक है। अब y के जगह पर आप मान रख लो, y के जगह पर क्या है, तो tan इनवर्स x, लिखेंगे e के पावर में tan इनवर्स x प्लस c आंसर, देखिएगा तो e के पावर में tan इनवर्स x प्लस c आंसर हो जाएगा इसका। चलिए नोट कर लीजिए इसको जल्दी से, या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जैसी आपकी मर्जी आप वैसे कर लीजिए, ठीक ना। हाँ चलिए, एकदम इस बात पर ध्यान दे के रखिए कि यदि आप चलना शुरू कीजिएगा तो दो ही चीज होगी, या तो आपको मंजिल मिलेगा मेरे भाई, या फिर अच्छा राही बन जाइएगा, ठीक ना। इसलिए चलना प्रारंभ कीजिए, भागना प्रारंभ कीजिए, दो ही बातें होगी, या तो आप मंजिल पर पहुंचेंगे या फिर अच्छा राही बन जाएंगे, या फिर अच्छा दौड़ने वाला बन जाएंगे आप, ठीक ना। हाँ, तो इसमें कहीं कोई घाटी नहीं है, हर समय आपको मुनाफा है, दोनों पहलू में आपको मुनाफा है, ठीक ना। प्यार करना है, मोहब्बत करना है, तो अपने किताब से कीजिए, अपनी कलम से कीजिए, अपने नोटबुक से कीजिए, अपने बुक से कीजिए, ठीक ना। यदि बेवफा भी निकलेगी तो आपका मुकद्दर बनाकर जाएगी, ठीक है। यदि बेवफा भी निकलेगी तो आपका मुकद्दर बनाकर जाएगी, इसलिए इस बात का हमेशा ख्याल रखना। हाँ, और यदि वो बेवफा निकलेगी तो कहिएगा कि लाओ नस काटते हैं, लाओ उसको खून बहाते हैं, फांसी लगाते हैं, ए बुर्बक ये सब काम करने की जरूरत ना है रे, मोहब्बत करना है तो इससे करो, मुकद्दर बना देगी मुकद्दर। आइए सवाल को देखते हैं, अगला सवाल क्या कहता है। चलिए दूसरे सवाल की ओर बढ़ते हैं कि दूसरा सवाल आपका क्या कहता है। वन बटा में एक्स इंटू सॉरी वन बटा में एक्स और माइनस रूट अंडर एक्स इंटू डी एक्स। अब आपके दिमाग में चल रहा होगा कि सर जी तो बोले थे कि रूट के अंदर वाला को मानिएगा,
चेक करके देखिए ना, चेक करके देखिए। तो यदि रूट के अंदर वाला को मानते हैं एक्स, तो इसका डिफरेंशिएशन जो है, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो होगा एक, ऊपर में तो है, तो यहाँ एक्स के जगह पर यदि मान लीजिए कि वाई रखेंगे तो यहाँ भी हो जाएगा, यहाँ भी हो जाएगा, तो बतावा तो जैसे के तैसे है ना आए। हाँ, तो आपको क्या करना है इसके लिए, एकदम थोड़ा सा एक एक सवाल है ये कि आपको जो है एकदम तनी कहेगा कि तनी आ जाओ, इन्हें आ जाओ, तनी दिमाग लगाओ, गणित बना रहा है ना चेला, आ जाओ। देखिए तो क्या करेंगे इसके लिए, थोड़ा सा क्रिया करेंगे, एक लाइन देखिएगा, हम ऐसा करते हैं। अच्छा देखिए, यहाँ एक्स है तो इसमें हम एक्स में रूट लगा के इसका स्क्वायर कर सकते हैं, तनी अक्को गलती हुआ क्या, हो ये नहीं सकता है, उम्रे नहीं है गलती करने का कि हाँ हाँ। देखिए आई बराबर क्या हो जाएगा, यहां से रूट एक्स कॉमन ले सकते हैं। अब देखिए था रूट एक्स कॉमन ले लिए तो दो गो रूट एक्स था तो एगो बाहर आ गया, एगो अंदर में है माइनस वन इंटू में डी एक्स, क्लियर है। अब आप जो है इसको मान लीजिए तो इसका डिफरेंशिएशन आपको यहां दिख रहा होगा। देखिए तो रूट एक्स का डिफरेंशिएशन होता है क्या, क्या होता है रूट एक्स का डिफरेंशिएशन, माइनस वन बटा में टू रूट एक्स होता है ना, माइनस वन बटा में सॉरी हाँ वन बटा टू रूट एक्स, ठीक है। रूट एक्स का डिफरेंशिएशन होता है वन बाई टू रूट एक्स, तो कर लीजिए ना डिफरेंशिएशन, क्या दिक्कत है। देखिए तो अब हम क्या करेंगे कि इसको मानेंगे, पुनः माना वाई बराबर रूट अंडर एक्स माइनस वन, ठीक है। इसका डिफरेंशिएशन एक्स के सापेक्ष करेंगे तो क्या हो जाएगा, डी वाई बटे डी एक्स बराबर डी रूट एक्स बटा में डी एक्स माइनस डी वन बटा डी एक्स। देखिएगा अगला स्टेप इसका क्या होने वाला है, डी वाई बटे डी एक्स बराबर रूट एक्स का डिफरेंशिएशन होता है वन बटा में टू रूट एक्स, और ये हो जाएगा आपका माइनस जीरो, डी वाई बटे डी एक्स बराबर हो जाएगा आपका वन बटा टू रूट एक्स, क्योंकि जीरो घटाने से तो ज्यों का त्यों रह जाएगा। अब आपको चाहिए डी एक्स का मान, तो ये ऊपर जाएगा ये इधर आ जाएगा, तो डी एक्स बराबर हो जाएगा टू रूट एक्स इंटू डी वाई, ठीक है, टू रूट एक्स इंटू डी वाई। यहां आपको इसलिए का चिन्ह देना है, ये सब आपको ध्यान में रखना है कि कहां इंप्लाई दैट डालना है, कहां चुकी डालना है, कहां इसलिए डालना है, ठीक ना। हाँ देखिएगा, और ये सब अनुभव आपको हो जाएगा सवाल को देखते देखते, इन सब चीजों पर भी आपको नंबर मिलता है, ठीक है। ये छोटी छोटी चीजें हैं, इन सब चीज को भी आप ध्यान में रखेंगे तो आपको जो है थोड़ा सा अंक और ज्यादा बढ़ने की जरूरत है अदर की अपेक्षा, ठीक ना। हाँ तो देखिएगा, अब जो आपका है सवाल जो कहता है उसके अनुसार क्रिया करेंगे। ये हो जाएगा वन बटा में रूट अंडर एक्स, और यहां आपका है रूट एक्स माइनस वन इंटू डी एक्स। मान रख लीजिए इसमें फटाफट से, क्या हो जाएगा वन बटा में रूट अंडर एक्स इंटू रूट एक्स माइनस वन को क्या माने हैं, तो वाई, यहां हो जाएगा आपका वाई इंटू, यहां देखिएगा डी एक्स के जगह पर क्या आ जाएगा, तो यहां निकला हुआ है टू इंटू रूट एक्स और डी वाई। चलिए आप पहले रूट एक्स से रूट एक्स को काट दीजिए, दो बाहर हो जाएगा, नहीं यहां दो जो है बाहर आ जाएगा ना, तो दो को कर देंगे बाहर, और इसके बाद जो आपका बच गया वन बटा वाई इंटू डी वाई, तो वन बटा वाई का इंटीग्रेशन होता है आपका लॉग वाई, लॉग वाई, और प्लस क्या हो जाएगा सी, लॉग वाई प्लस क्या हो जाएगा सी। देखिए टू इंटू लॉग वाई के जगह पर जो मान है उसको रख लीजिए आप, वाई के जगह पर क्या मान है देखिए, तो यहां माने हैं रूट एक्स माइनस वन, तो यहां रखेंगे रूट अंडर एक्स माइनस वन और प्लस में सी। ए बउआ इधर ध्यान दीजिए, आपका जो यहां लॉग के आगे में दू है, इसके लिए आपको बता दिए हैं कि लॉग के आगे यदि कोई कांस्टेंट होगा तो वह फितिंगी के तरह उड़कर जाएगा
और लॉग के कोणांक के पावर में बैठ जाएगा ना, तो ये हो जाएगा आपका लॉग रूट एक्स माइनस वन के पावर में दो प्लस सी, या फिर आगे भी रहने दीजिएगा तो गलती नहीं है, ठीक ना। तो इसको जल्दी से नोट कर लीजिएगा सभी लोग, और या तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट कर लीजिए, जैसी आपकी इच्छा आप इसको कर सकते हैं। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, एक और सवाल हम इस टाइप पर देखेंगे, और इस टाइप के जितने भी सवाल आपके पास होंगे मेरे भाई, ठीक ना, टोटल सवाल को आप बना लीजिएगा, और यदि आपको नहीं मिल रहा होगा सवाल तो हमारा से कॉन्टैक्ट कीजिएगा, हमारा व्हाट्सएप नंबर मिला है ना सबको, उस नंबर पर आपको हम दे देंगे एक आध ढकिया सवाल इस टाइप का, आप घरे बैठ के बनाते रहिएगा। आप कहिएगा कि व्हाट्सएप पर इतना मैसेज किए हैं, तो देखिए हम आपको दिखाते हैं मैसेज वाकई में आप लोग का है, आप लोगों ने बहुत सारा मैसेज किया है हमें, तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसके लिए आप हमें कहते हैं और वो चीज़ मेरे पास अवेलेबल नहीं है, तो हम आपको ये कह देते हैं कि ये चीज़ मेरे पास अवेलेबल नहीं है, ठीक है, और जो मेरे पास अवेलेबल होता है उनको हम जरूर मतलब देने का प्रयास करते हैं, या ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का मैसेज हमारे पास है तो हम आप लोगों से माफ़ी चाहते हैं कि सभी लोगों के मैसेज का जवाब हम नहीं दे पाते हैं, और इसके पीछे का रीज़न क्या है समझ लीजिए कि रात 10 बजे तक हम बिजी होते हैं आपके कामों के लिए, सिर्फ आपके काम के लिए, ठीक ना, और दिन में वीडियो शूट करना, एडिट करना, पोस्ट करना, तो जिन हाँ ऐसा नहीं है कि सभी के मैसेज का जवाब नहीं देते हैं, कुछ ऐसे लोग हैं, कुछ ऐसे मैसेज हैं जिनका जवाब हम नहीं दे पाते हैं, तो उन सभी भाइयों से हम माफ़ी मांगना चाहते हैं कि ऐसा इसीलिए हो पाता है कि बस वही चीज़ें हैं, लेकिन कोशिश करते हैं कि आप लोग के मैसेज का जवाब हम दे पाएँ, ताकि आप लोग को ऐसा ना लगे कि सर इस तरीके से कुछ ऐसा कर रहे हैं, ठीक है, तो कोशिश रहता है हमारा कि आप लोग के मैसेज का जवाब हम आपको दे दें, जहाँ तक हो सके रिप्लाई देने का प्रयास करते हैं, और जहाँ तक कि क्वेश्चन की बात है आप लोग यदि कहें तो हाँ, आप लोग को ये भी बात बताए हैं कि एक हमारा क्या है फेसबुक ग्रुप है मैथ्स गुरु मनीष के नाम से, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप यदि वहाँ जुड़ जाते हैं तो वहाँ पर आप लोग को क्वेश्चन आसानी से मिल जाएगा, क्योंकि वहाँ लोड करना मेरे लिए आसान हो जाता है, ठीक ना, हाँ, तो आप वहाँ से क्वेश्चन को आसानी से ले सकते हैं, तो भाई सभी लोग अपना जुड़ जाइए, वहाँ से क्वेश्चन आपको आसानी से मिलता रहेगा, आप आसानी से बनाते रहिएगा, ठीक है, क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा बनाने का प्रयास कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, ज़्यादा बात नहीं करेंगे, काम की बात ज़्यादा करेंगे, समय कम है काम ज़्यादा है रे भाई। चलिए आइए तीसरे सवाल की ओर बढ़ते हैं, तीसरा सवाल आपका क्या कहता है, और जितने भी सवाल यहाँ अभी दिए जा रहे हैं टोटल सवाल बोर्ड मॉडल सवाल है, ठीक है, आपके एग्जाम में इस तरीके के सवाल कितने बार पूछे गए हैं, हम वही सवाल आप लोग के बीच लेकर आने का प्रयास करते हैं जो सवाल आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, या जिस टाइप के सवाल आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक ना, उन सारे सवालों को आपके सामने लेकर आने का प्रयास करते हैं, या जहां से सवाल को पूछने की संभावना बनती है, इसलिए एक भी सवाल आपके लिए फिजूल नहीं है। आप एग्जाम हॉल में बैठिएगा ना, या फिर आप जो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को उठाकर देखिए, तो पता चलेगा कि गुरुजी कहां से सवाल डाल रहे थे, ठीक है, हाँ। चलिए तो सवाल जो आपको दिख रहा है बस वही सवाल है जो आपको अभी हम बता दिए हैं, ठीक है, टाइप टू का सवाल है, और आप में से किसी भाई को यदि टाइप टू में से कोई भी सवाल में आपको प्रॉब्लम हो, जो टाइप टू का सवाल हो लेकिन उस पर बैठ नहीं रहा हो, आप हमारे व्हाट्सएप पर एक बार मैसेज कर दीजिएगा, एक दिन हम सबका क्वेश्चन का सॉल्यूशन लेकर आ जाएंगे आप लोग के लिए, ना हो जाएगा मजेदार चीज, सबका आंसर भी मिल जाएगा आप लोग को कि। चलिए तो देखिए सवाल आपका है आई बराबर एक्स क्यू इंटू साइन टेन इनवर्स एक्स के पावर 4 बटा में 1 प्लस एक्स के पावर 8 इंटू क्या डीएक्स। आपको क्या बोले हैं, क्या बोले हैं कि त्रिकोणमितीय अनुपात के जो कोणांक में होगा उसको मानिएगा। तो त्रिकोणमिति कहिएगा कि बटा वाला भी तो बोले थे मानने के लिए, होल पावर वाला में तो बोले थे कि आधार वाला को मानने के लिए, तो दिमाग को हौच पोच कल्ला कर रहा है मेरे चेला, ना करो ना। रामबाण जो बोले थे ब्रह्मास्त्र उसका प्रयोग करो, रामबाण यानी ब्रह्मास्त्र क्या था कि मानना उसी को है जिसका डिफरेंशिएशन इसमें दिया गया है, दूसरा के बारे में तो सोचबो ना करेंगे रे बाबुआ, हाँ। तो एक्स टेन इनवर्स एक्स के पावर 8 है, यदि इसका डिफरेंशिएशन कीजिएगा ना तो एक्स क्यू वटा में 1 प्लस एक्स के पावर 8 आ जाएगा। तो आप कहिएगा कि आपको कैसे मालूम है मास्टर साहब, हम कहेंगे मालूम है कैसे, देखिए
टेन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो 1 बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स के जगह पर है आपका एक्स के पावर 4 स्क्वायर करेंगे तो एक्स के पावर 8 आ जाएगा कि, और जब एक्स के पावर 4 का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 4 इंटू एक्स के पावर 3 यहां वाला आ जाएगा। कैसे नहीं मालूम है, आए है ना मालूम, तब देखिए मान लेंगे इसको मानना है ना, तो लिखेंगे पुनः माना वाई बराबर टैन इनवर्स एक्स के पावर 4, एक्स के सापेक्ष डिफरेंशिएशन कर देंगे डीवाई बटे डी एक्स बराबर डी टैन इनवर्स एक्स के पावर 4 बट्टा में डी, यह आएगा ना एक्स के पावर 4 गुने डी एक्स के पावर 4 बट्टा में डी एक्स। आज हम लोग तीसरा और चौथा दोनों टाइप को देखने वाले हैं, ठीक ना, और एक मैंने 3 वीडियो में पूरा इंटीग्रेशन खत्म कर देंगे, इसके बाद टोटल आपके प्रीवियस ईयर का सवाल भी खत्म कर देंगे। घबराइए नहीं, 2-3 वीडियो जाने दीजिए इंटीग्रेशन के लिए कम से कम, क्योंकि सवाल यहां से ज्यादा पूछा जाता है, इसलिए घबराकर यदि भागिएगा तो धड़फड़ाने से काम थोड़े होता है। आप वीडियो को अंत तक देखिए, ठीक ना। हाँ, तो ये हो गया आपका dy बटे dx बराबर, क्योंकि सफलता का कोई शॉर्टकट रास्ता नहीं होता है, जान लीजिए। हाँ, शॉर्ट रास्ता से कभी सफलता नहीं मिल सकता है, सफलता के लिए आपको सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़ना पड़ेगा ना, आए इसलिए एकदम आराम से चढ़िए, घबराने की जरूरत नहीं है। तो देखिए इसका क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1 बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो एक्स के जगह पर है आपका एक्स के पावर 4 आ उसका स्क्वायर, तो कर दीजिए स्क्वायर, इंटू एक्स के पावर 4 का इंटीग्रेशन, तो 4 इंटू एक्स के पावर 3 डीवाई बटे डी एक्स बराबर हो जाएगा आपका 4 इंटू एक्स के पावर 3 बटा में 1 प्लस एक्स के पावर 4 दुन्ना 8 क्रॉस 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 ना, तब ना मान निकलेगा। तो देख लीजिएगा ये डी एक्स यहां आ जाएगा, तो हो जाएगा 4 इंटू एक्स के पावर 3 इंटू में डी एक्स और बराबर आपका हो जाएगा कितना, यहां देखिए 1 प्लस एक्स के पावर 8 इंटू में डी वाई, नहीं ऐसे क्रॉस कर लेंगे इसके साथ, देखिए हमको डी एक्स का मान ही चाहिए, यहाँ डी एक्स है तो डी एक्स का मान ही चाहिए, गुना में है उधर भाग में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका डी एक्स बराबर 1 प्लस एक्स के पावर 8 और बटा में हो जाएगा 4 इंटू एक्स के पावर 3 इंटू डी वाई, ठीक है। यहां तक आपका एकदम क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब आपको यहां से शुरू करना है, तो लिखेंगे नाउ जो आपका क्वेश्चन है उसको नोट करेंगे यहां पर, एक्स के पावर 3 इंटू साइन, यहां देखिएगा यहां टेन इनवर्स एक्स के पावर 4 है और इतना बराबर क्या माने हैं वाई, तो हो जाएगा साइन वाई और बटा में आपका क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स के पावर 8 इंटू में डी एक्स के जगह पर क्या होगा, तो 1 प्लस एक्स के पावर 8 और बटा में 4 इंटू एक्स के पावर 3 इंटू डी वाई, ठीक है। वाई ये वाला खाली बचेगा, बाकी सब एक्स वाला कटेगा, एक्सक्यू से एक्सक्यू कट गया, 1 प्लस एक्स के पावर 8 से 1 प्लस एक्स के पावर 8 कट गया, तो क्या बच गया, आई बराबर 1/4 बचल है ना, बाहर कर लीजिए 1/4 इंटू साइन वाई डी वाई, और साइन वाई का इंटीग्रेशन होता है कॉस वाई, साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है कॉस ना, तो यह हो जाएगा आई बराबर 1/4 कॉस वाई प्लस सी। अब आप देखिए कॉस का तो साइन का तो कॉस हो गया, लेकिन वाई के जगह पर जो आपका मान है उसको रख देना है, क्या है टेन इनवर्स एक्स के पावर 4, तो हो जाएगा आई बराबर 1/4 कॉस टेन इनवर्स एक्स के पावर 4 प्लस सी, ये हो गया आपका आंसर। तो जल्दी से इसको नोट कर लीजिएगा और अब हम बढ़ते हैं इसके टाइप 3 की तरफ, ठीक है। तीसरा टाइप का सवाल आपका कैसा होगा एकदम ध्यान से देखिएगा, मजेदार सवाल होगा और उसको बनाने का तरीका भी उतना ही मजेदार और शानदार होने वाला है, तो आइए देखते हैं। चलिए देखिए आज हम लोग अब तीसरे टाइप के इंटीग्रेशन के सवाल पर चर्चा करेंगे
और ये टाइप तीसरा आपका है कि जब दो अलग अलग फंक्शन गुना के रूप में हो तो क्या करेंगे। चूंकि इंटीग्रेशन जो है गुना में संभव नहीं है डायरेक्ट, ठीक है, तो उसके लिए एक रूल बनाया गया है, तो आप लोग आज इस रूल को देखिएगा, एकदम सावधानी से समझने का प्रयास कीजिएगा, एक बार में अच्छा से समझ जाना है, और जब एग्जाम में सवाल पूछेगा ना तो आसानी से बना लीजिएगा, लेकिन उससे पहले आपको थोड़ा सा सावधानी बरतने की जरूरत है। कहता है कि जब दो अलग अलग फंक्शन गुना के रूप में हो तो क्या करेंगे, तो फंक्शन कैसा हो सकता है, फंक्शन आपका इनवर्स वाला हो सकता है, फंक्शन आपका लॉग वाला हो सकता है, अलजेबरा हो सकता है, ट्रिग्नोमेट्री हो सकता है, या एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो सकता है। जनरली यही फंक्शन आप लोग को आता है जनरली, इसीलिए हम इसी पर ज्यादा चर्चा कर रहे हैं, इसके बाद अभी हम विशेष फंक्शन पर चर्चा करने की जरूरत हमें है भी नहीं, ठीक ना। तो जनरली इतना ही फंक्शन आप लोगों से पूछा जाता है, तो इतना ही फंक्शन पर आज हम बात करेंगे। फिर से एक बार चेक कर लीजिएगा कि सबसे या तो आपको इनवर्स वाला फंक्शन होगा, दो अलग अलग फंक्शन गुना के रूप में होगा, तो या इनवर्स वाला होगा, लॉग वाला होगा, अलजेबरा होगा, ट्रिग्नोमेट्री होगा, एक्सपोनेंशियल होगा। यदि इनवर्स वाला होगा तो उसमें साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टैन इनवर्स, कॉट इनवर्स, सेक इनवर्स और कॉसेक इनवर्स एक्स होगा, क्लियर है। इसके बाद यदि हम लॉग वाला में देखेंगे तो लॉग एक्स, लॉग वाई, लॉग एक्स स्क्वायर, ये सब होगा, इसमें लॉग लगा हुआ रहेगा। यदि आप अलजेबरा में आते हैं तो अलजेबरा यानी बीजगणित में क्या होता है वो आपको मालूम है, एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर, एक्स प्लस ए, एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस बी, यही सब होगा। और यदि आप ट्रिग्नोमेट्री में चलते हैं तो वहां आपको साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक देखने को मिलेगा, और यदि एक्सपोनेंशियल में चलते हैं तो ई के पावर वाले आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो जब ये फंक्शन आपको दे दिया जाए, इन सारे फंक्शन में से कोई दो फंक्शन गुना के रूप में लिखा हुआ रहेगा, ठीक है, कोई दो फंक्शन गुना के रूप में लिखा हुआ रहेगा, तो उस समय उसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, ठीक है, उस समय उसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, आइए बात करते हैं। सावधानी से समझने का प्रयास कीजिएगा, एक बार में आपको पूरा का पूरा समझ में आ जाएगा। देखिए, तो सवाल का जो टाइप होगा उसमें ये सारे फंक्शन आपको देखने को मिलेंगे, तो सबसे पहले आपको करना है अरेंज। क्या करना पड़ेगा मेरे भाई, तो सबसे पहले आपको करना पड़ेगा सवाल को अरेंज। अरेंज करना पड़ेगा मतलब सजाना पड़ेगा, दो फंक्शन है तो किसी एक को पहला मानना पड़ेगा और किसी को दूसरा मानना पड़ेगा, तो कैसे पहचानेंगे कि कौन पहला है कौन दूसरा है, कैसे पहचानेंगे कि कौन पहला है कौन दूसरा है, तो उसके लिए जो है ये आपका लिखा हुआ है कोड, देख लीजिए ऊपर में कोड लिखा हुआ है, आई एल ए टी ई, आई लेट, आई लेट, आई लेट, आई एल ए टी ई, आई लेट। अब इसके अनुसार आपको फंक्शन को अरेंज करना पड़ेगा, ठीक है, इस आई लेट के अनुसार फंक्शन को अरेंज करना पड़ेगा। आई बोले तो सबसे पहला आपको इनवर्स, एक नंबर में इनवर्स को रखना है, दूसरे नंबर में लॉग वाला को रखना है, तीसरे नंबर में अलजेबरा को रखना है, चौथे नंबर में ट्रिग्नोमेट्री को रखना है, और सबसे लास्ट में आपको एक्सपोनेंशियल फंक्शन को रखना है, सबसे लास्ट में एक्सपोनेंशियल फंक्शन को रखना है, और उससे भी लास्ट में यानी सबसे लास्ट में आपको कांस्टेंट रखना है। सबसे लास्ट में क्या रखना है, कांस्टेंट। सजाने का तरीका समझ में आ गया, जैसे मान लीजिए कि एक ही फंक्शन में आपका इनवर्स वाला है और अलजेबरा है, तो पहले इनवर्स को बाद में अलजेबरा को। यदि मान लीजिए कि लॉग वाला है और अलजेबरा वाला है, तो पहले लॉग वाला को उसके बाद अलजेबरा वाला को। यदि एक ही फंक्शन में एक्सपोनेंशियल है और आपका अलजेबरा है, तो पहले अलजेबरा होगा बाद में एक्सपोनेंशियल होगा। जो आपका क्रम यहां पर लिखा हुआ है उसी तरीके से सवाल को पहले अरेंज कर लेना है। तो जब सवाल को अरेंज कर लेंगे तो क्या करेंगे, देखिएगा। मान लिया जाए कि हमने पहला और दूसरा को पहचान लिया, पहला दूसरा को पहचान लिया, ये पहला होगा दूसरा होगा, दो फंक्शन आपका होगा, तो क्या करेंगे, पहला और दूसरा में से पहला को बाहर कर दीजिएगा और दूसरा का इंटीग्रेशन कीजिएगा।
दूसरा का इंटीग्रेशन कीजिएगा। फिर से समझिए, पहला फंक्शन जो रहेगा उसको बाहर कर दीजिएगा और जो दूसरा फंक्शन होगा उसका आप इंटीग्रेशन कीजिएगा, बीच में माइनस का चिन्ह लगाइएगा और इसके बाद इंटीग्रेशन बड़ी ब्रैकेट फिर से इंटीग्रेशन, जितना हम लिख रहे हैं उतना ही लिखिएगा, ठीक है, जितना लिख रहे हैं उतना ही लिखिएगा, एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है। पहले आप इसको सजा लीजिएगा पहला दूसरा में, कौन पहला कौन दूसरा, इसके लिए आपको ऊपर यहां लिखा हुआ है कोड ILATE, पहले इनवर्स, लॉग, अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, एक्सपोनेंशियल। तो सजाने के बाद जो पहला होगा उसको बाहर, दूसरा का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन बड़ी ब्रैकेट इंटीग्रेशन फिर दूसरा का इंटीग्रेशन इनटू पहला का डिफरेंशिएशन यानी पहला का डीसी, ठीक है, पहला का डीसी और इनटू में आपको डीएक्स लिखना है, क्रिया कर देना है, ये बन जाएगा आपका आंसर और आसानी से आप सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये तो हुआ इसका कॉन्सेप्ट। अब बढ़ते हैं हम सवाल की तरफ, एक आसान सा सवाल आपके सामने लेकर आते हैं, बहुत ही आसान सा सवाल। शुरुआत करते हैं बिल्कुल आसान सवाल से, ठीक है, और धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ेंगे। एक दो सवाल अभी हम आपको करके दिखाते हैं, बाकी सवाल आप लोग कर लीजिएगा, ये फुल गारंटी है कि बाकी सवाल आप लोग कर लीजिएगा, ठीक ना, थोड़ा सा मेहनत तो बनता है ना मेरे भाई। चलिए एक सवाल हम आप लोग के सामने लेकर आए हैं, सवाल आपका है एक्स इंटू साइन एक्स। देखिए एक्स क्या है तो ई अलजेबरा है, या ई क्या है तो ई त्रिकोणमिति है, है ना, आपको फंक्शन की पहचान होनी चाहिए और इसके लिए आपको हम पहले बता दिए हैं। तो ई अलजेबरा है या ई त्रिकोणमिति है, अब आप एक बार इसके अनुसार देखिए तो क्या कहे हैं। सबसे पहले आपको सवाल को अरेंज करना है, सब्जेक्टिव सवाल है बाबू, ठीक ना, हाँ ऑब्जेक्टिव नहीं है कि हम आपको कैसे हूँ सवाल को समझा देंगे, सब्जेक्टिव है तो उसको पूरा अच्छा से समझना पड़ेगा ताकि एग्जाम में जाके आप अच्छा से लिखिएगा, ठीक है। तो ये पहला होगा ये दूसरा होगा, देखिए था अलजेब्रा के बाद ट्रिग्नोमेट्री, ठीक लिखा हुआ है अलजेब्रा के बाद ट्रिग्नोमेट्री आना चाहिए, तो ठीक है अलजेब्रा के बाद यहाँ ट्रिग्नोमेट्री लिखा हुआ है, एकदम फिट है। चलिए तो जब यहाँ पर सवाल सजा हुआ है तो आपको छेड़छाड़ करना नहीं है इसको, हाँ डायरेक्ट फार्मूला पर ले जाना है, फार्मूला के अनुसार ई हो गया पहला आ ई हो गया दूसरा, आ करना है इसका इंटीग्रेशन, पहला को बाहर छोड़ेंगे दूसरा का इंटीग्रेशन करेंगे इंटू डीएक्स माइनस इंटीग्रेशन बॉडी ब्रैकेट इंटीग्रेशन दूसरा का इंटीग्रेशन यानी साइन एक्स का इंटीग्रेशन और पहला का डिफरेंशिएशन, तो पहला है एक्स यानी पहला तो डीएक्स बटा डीएक्स, बड़ी ब्रैकेट लगा के डीएक्स हमेशा लिखना है आपको, काम बन चुका है। एक्स इंटू साइन का इंटीग्रेशन होता है कॉस एक्स माइनस इंटीग्रेशन, अब देखिए साइन का इंटीग्रेशन कॉस एक्स होता है ना, साइन का इंटीग्रेशन कॉस इंटू डीएक्स बटा डीएक्स का मान एक के बराबर इंटू हो गया डीएक्स, तो ई वाला इंटीग्रेशन हुआ है या ई वाला बचले हैं ना अभी, ई वाला यानी एक बार और इसका इंटीग्रेशन करना है आपको, देखिएगा तो एक्स इंटू कॉस एक्स, ठीक है साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस, साइन का माइनस कॉस, यहां भी साइन का हो जाएगा आपका माइनस कॉस, ठीक ना, हाँ। तो अब क्या होगा देखिए, ये हो जाएगा माइनस बाहर ले आएंगे तो एक्स इंटू कॉस एक्स आई माइनस माइनस प्लस क्या हो जाएगा कॉस एक्स इंटू डी एक्स, ठीक है। तो अब देखिए माइनस एक्स इंटू कॉस एक्स आ प्लस कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा साइन एक्स प्लस सी, तो इन सजाकर लिख लीजिए साइन एक्स माइनस एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस सी, हो गया आंसर, देख लीजिए। तो जब दो फंक्शन दो अलग अलग फंक्शन गुना के रूप में हो जिसको आप डायरेक्ट गुना नहीं कर सकते उसका इंटीग्रेशन करने के लिए ये आपको इंटीग्रेशन का रूल लगाना है, इंटीग्रेशन का रूल जो कहता है
पहला को बाहर छोड़िए, दूसरा का इंटीग्रेशन कीजिए, माइनस का चिन्ह लगाइए, इंटीग्रेशन बड़ी ब्रैकेट फिर दूसरा का इंटीग्रेशन पहला का डिफरेंशिएशन, बन गया आपका दो फंक्शन का गुना में जब रहेगा तो उसका इंटीग्रेशन, ठीक है। और इसको बोलते हम लोग इंटीग्रेशन बाय पार्ट यानी खंडस समाकलन। तो आप यहां पर लिख सकते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट से, इंटीग्रेशन बाय पार्ट के अनुसार ऐसा किया गया, यानी खंडस समाकलन के अनुसार ऐसा किया गया, ठीक है दोस्तों। पूरा को मिटा देंगे और बाकी सवाल आप लोग बना लीजिएगा ना, है सवाल बन जाएगा तो निश्चित रूप से बना लीजिएगा, ठीक ना। कोई भी लोग पढ़ाई में कोई कोताही नहीं, मेहनत तो पूरे दबाकर करना है, क्योंकि बात से काम नहीं बनता, काम करना पड़ता है।